नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न, फरियादियों की संख्या में आई कमी। मऊरानीपुर तहसील कार्यालय के सभागार में हुए संपूर्ण समाधान दिवस में क्षेत्र से आए फरियादियों ने विभिन्न समस्याओं व शिकायतों के निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र दिए। तहसील कार्यालय के सभागार में हुए संपूर्ण समाधान दिवस में खाद्य दिलाए जाने हेतु किसानों द्वारा प्रार्थना पत्र दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में मोहल्ला गांधीगंज निवासी रामलाल पुत्र पुनू ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनकी विरासत दर्ज न किए जाने की शिकायत की। शिकायतकर्ता ने गलत ढंग से विरासत दर्ज करने वाले राजस्व कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने व फर्जी विरासत निरस्त करने की मांग की है। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 32 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें राजस्व विभाग से संबंधित 10 व पुलिस विभाग से संबंधित 10 प्रार्थना पत्र थे। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी पुलिस विवेक सिंह, तहसीलदार वंदना कुशवा व विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। ग्राम चुरारा निवासी सोनी पुत्र मंधाती ने दिए प्रार्थना पत्र में उसके पुत्र व पुत्रवधू द्वारा धनतेरस के दिन मारपीट करने की शिकायत करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अनूप कुमार तिवारी द्वारा चक रोड पर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। श्रीमती प्रेमा देवी पत्नी शर्मेश कुमार मोहल्ला शिवगंज निवासिनी में उसकी जमीन पर चावड़ी निवासी देवेंद्र कुमार द्वारा जबरन कब्जा करने की शिकायत की है। मऊरानीपुर से संवाददाता विजय शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।